नमस्ते, मैं शिवाली गुप्ता और आप देख रहे हैं ISDT इंडिया। आज हमारा टॉपिक है नियर विजुअल एक्यूटी और चार्ट सिलेक्शंस। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी कैसे लेते हैं, आज हम देखेंगे कि नियर विजुअल एक्यूटी कैसे लेते हैं। पेशेंट के एज पे डिपेंड नहीं होता कि आपको 40-40 ईयर्स के बाद ही लेना है नियर विजन या पहले भी ले सकते हैं। आपको हर एज के पेशेंट के लिए नियर विजन लेना है। अगर पेशेंट की एज छोटा बच्चा भी है उसकी भी नीचे विजुअल एक्यूटी लेंगे और जो एडल्ट है उसकी भी लेंगे। ये नियर विजन चार्ट है, हम पेशेंट को ट्रायल फ्रेम बनाएंगे, सेम वे लेफ्ट आई ऑक्लूड करेंगे और पेशेंट को हाथ में देंगे। पेशेंट को बोलना है आपका जो रीडिंग डिस्टेंस है आप उस पे पढ़िए। पढ़िए मैडम, नहीं दिख रहा, डायरेक्टली नीचे वाला दिख रहा। पढ़िए एज ऑफ एक एक बार, नहीं दिख रहा वो, नीचे करिए, नहीं दिख रहा, थोड़ा नज़दीक चाहिए। पढ़िए मैम, ये क्या है एज, ये इन, नहीं दिख रहा है ये, नहीं ऊपर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये ऑफ है जी, उसके आगे का कुछ उसका नहीं दिख रहा। अब एज इन, ये ब्लर हो रहा है पर ये ऑफ है, वो कुछ भी नहीं दिख रहा। एज इन ऑफ आगे डेंसिटी, बस इतना ही दिख रहा है। कॉजेस सिस्टमेटिक वेरियस जी। पेशेंट की विजन N6 है पर डिस्टेंस कम है, क्योंकि उनकी जो विजन थी वो थी, हमारी डिस्टेंस विजन थी उनकी फिंगर काउंटिंग 2 मीटर, इसीलिए पेशेंट की जो नियर विजन है वो डिस्टेंस कम करके वो पढ़ सकते हैं N6, जो कि नॉर्मल विजन है। अब मैं आपको नियर विजन चार्ट बताती हूँ। नियर विजन चार्ट हमारा जो होता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होता है और बच्चों के लिए, इलिटरेट्स के लिए नंबर, सी चार्ट, ई चार्ट, डॉट चार्ट। अब सी चार्ट में हमें क्या बताना होता है, जहाँ से ये ब्रेक रहता है यानी सी कहाँ से ओपन है वो बताना है। ये एनिमल चार्ट है छोटे बच्चों के लिए कि कौन सा एनिमल दिख रहा है आपको। लैंग्वेजेस हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे ही गुजराती, मारवाड़ी, इसमें भी चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी जो है हमारी, हमारा चार्ट सिलेक्शन कैसे रहता है, पेशेंट इलिटरेट है या लिटरेट है। जैसे कि ए चार्ट जो अल्फाबेटिक चार्ट है वो हम लिटरेट नॉर्मली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका मराठी चार्ट, डॉट चार्ट, एक बॉक्स में कितने डॉट दिख रहे हैं। फिर आपको राइट बॉक्स एंड लेफ्ट बॉक्स आता है। सेम वे जो पेशेंट्स काउंट भी नहीं कर सकते, कुछ इलिटरेट पेशेंट्स ऐसे हैं वो काउंटिंग नहीं कर सकते, हम उनको सी चार्ट भी दिखा सकते हैं जिसमें कि जो रिंग है वो ब्रोकन रहती है, टूटी हुई रहती है, तो किस साइड वो टूटी है वो पूछना है। ये एनिमल चार्ट है। पिक्चर चार्ट जिसे हम बोलते हैं, अब हमारे जो विजुअल, ये स्नेलन्स विजुअल एक्यूटी चार्ट है। स्नेलन्स विजुअल एक्यूटी चार्ट में हर लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल प्रिपेयर करता है हमारे आँख में, जो कि हाँ चाहे वो शब्द 660 का हो या 66 का हो, पर वो एंगल जो प्रिपेयर करता है वो होता है 5 मिनट्स ऑफ आर्क पे प्रिपेयर करता है, और हमें वो हर वर्ड जो है वो एक कैलकुलेटिव वे में दिखाई देता है। ये था हमारा नियर विजुअल एक्यूटी और चार्ट सिलेक्शन। ये वीडियो के साथ हमारे विजुअल एक्यूटी रिलेटेड 3 वीडियोस आ चुके हैं,
जिसके स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल वे क्या है, थ्योरेटिकल वे क्या है और नियर विजुअल एक्यूटी कैसे ली जाती है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल हर वीडियो में आपको बताई गई है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर बताइए हमें।